नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्त्री धन के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले अधिकार के बारे में बात करूंगा। महिलाएं चाहे किसी भी स्थिति में हों, चाहे वो अविवाहित हों, विवाहित हों या विधवा हों, या संबंध विवाह संबंध विच्छेद हो या न्यायिक अलगाव हो, हर सूरत में हर हालत में उनका स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार होता है। ये स्त्री धन को महिलाएं अपने मनानुसार अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकती हैं। वो चाहे किसी को तोहफे में दे सकती हैं या उसकी वसीयत लिख सकती हैं। महिलाओं का इस पर पूर्ण अधिकार होता है। विवाहित महिलाएं जहाँ पे उनकी संपत्ति का उनकी स्त्री धन का उपभोग परिवार के सभी सदस्य करते हैं, वहाँ पे वो उपभोग करने के उपरांत वो संयुक्त संपत्ति नहीं बन जाती है तो भी महिला का ही उस पर पूर्ण अधिकार रहता है। अगर कोई विश्वास हनन भी करता है तो वह आपराधिक विश्वासघात का दोषी माना जाता है और इसके लिए महिला इंडियन पेनल कोड की धारा 498 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करा सकती है, जिसमें धारा इंडियन पेनल कोड की धारा 405 और 406 के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर स्त्री धन इसमें ना स्त्री के पिता का, ना पति का, ना पुत्र का, ना भाई का कोई भी उनको उसके उपयोग से उससे अलग नहीं कर सकता है, उस पर उनका पूरा पूरा अधिकार रहता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और इसमें अपने सुझाव भी हमें दें ताकि हम इसको और अधिक निखार सकें और अधिक सुधार सकें। धन्यवाद।